देखो इनको डर है कि कई को बंदरों को देखो। अच्छा बंदर बड़े प्रेम से खाते हैं गुरुदेव कह रहे हैं कि लिख रखा ना हाँ कि बंदरों को मुख से भजन सुनना हो तो कच्चे चने लाओ ऐसा है तो छिपो बड़ो से आए चलो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल खिलाइए अरे इसको इनको दीजिए अरे ये चने से ज्यादा आवाज आती है कच्चे से उनके दांत देखो अब लेना फोटो अरे देखो सब वानर इकट्ठे हो रहे हैं गुरुदेव सबको चने खिला रहे हैं और हाँ किरकिर की आवाज आ रही कान में देखो संगीत अब संगीत अरे भजन है यही तो भजन है ये भजन है अरे वाह गुरु जी क्या बात है कच्चे चले मैं अभी हम आना ऐसे कच्चे लियो आऊं हां हां हाय आई ये जब चने चबाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये दांतों और चने के बीच के अंदर जो आवाज आती है उससे लगता है कि ये भजन कर रहे हैं संगीत की पूरी चीज सुनाई दे रही है आपको अरे वो कहीं नहीं गई तू कहां आया क्या जा जा ले जा और ऐसे वो भी वाला जो कि अच्छा दो टीमें एक टीम उधर है एक टीम इधर है इधर की टीम उधर नहीं जाती उधर की टीम इधर नहीं आती है जी तो भाई बंदरों को बड़े प्रेम से बड़े प्यार से चने खिला रहे हैं ऐसा लगता है कि ये पुराने परिचित हैं सभी बंदर इनसे छोटे बच्चे बड़े सभी इनके पास बैठे हैं ये भी ऐसे बैठे हैं जैसे बंदर की मुद्रा में बैठे हैं ये भी जीतू भाई भी ये गुरुदेव और जीतू भाई पास पास बैठे हुए बंदरों की सेवा कर रहे हैं क्या जिंदगी में पहली बार ये हाँ जिंदगी में पहली बार अरे मक्की जो खाते ना तो मक्की में नहीं आती चने में कितनी आती है वो अकेले खाए वो बहुत छोटे छोटे बंदर भी यहाँ है अब इनसे क्या है ये पेट से कच्चे से ये फूलेंगे ना तो पेट भर जाएगा पानी पीते और वो तो फूले सीखे से कितने छोटे छोटे से बंदर ऐसा लगता है दो पांच छोटा सा बंदर रात सुबह और दाब रहे हैं सुबह सुबह आए जो सुबह बाटे के लगे हो अरे ये सोनिया जी ने जय सारे बंदर गुरु जी रामू सब ग्रांड पर है नहीं पर रामू जब आता है यहाँ अरे तो रामू सबसे तगड़ा है रामू सबसे तगड़ा हाँ अच्छा एक बात रामू को जिस चीज की जरूरत होती गुरु जी नहीं देते वहाँ तो लड़े करता है ये आवाज बता रहे हैं कि चने चबा रहे हैं कैसी आवाज आ रही है अपने हाथों से संगीत बता रहे हैं जितू भाई
चना ऐसे नहीं चबाया जाता है, बंदर बनना पड़ता उसके लिए। मजबूत है दांत, मजबूत। बंदरों को सूखे चने खिलाए जा रहे हैं, ये चबा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे संगीत निकल रहा हो। सब बंदर इसमें लीन है, खाने में लीन है, आवाज़ सुनाई दे रही, कट 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 की ऐसी आवाज़, ये जल तरंग जैसी आवाज़ आ रही है। जो वाद्य आता जल तरंग, उसके अंदर ऐसी संगीत सुनाई देता है। ऐसे इन बंदरों को ये जो चीज, ये चने जो चबा रहे हैं, उससे आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे से बंदर, प्यारे प्यारे से, लेकिन चबाने में सब एक्सपर्ट, छोटा हो या बड़ा। एक बंदर ये अपनी माँ का दूध पीते हुए, बहुत प्यारे प्यारे से बंदर, आवाज़ बिल्कुल आप स्पष्ट सुन सकते हैं, कट 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 की आवाज़। बस इसी में लीन है, इनको कोई मतलब नहीं कौन बैठा है, क्या कर रहा है, हमारी शूटिंग ले रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इनका ध्यान केवल चने को चबाने में है। मैं इनके इतना पास बैठा हूँ, ये भाग रहे हैं, बस इनका ध्यान सिर्फ है चनों को चबाना। शानदार आवाज़ आ रही है, एक छोटा सा बंदर कूद फांद कर रहा है अपनी माँ के पास। ये कभी माँ के पास आता है, कभी दूर भाग जाता है। चने को लेके चूस रहा है, ये चबा नहीं सकता, छोटा सा है अभी। ये कूद के अपनी माँ के पास चला जाता है, चबाने का प्रयास तो कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये चबा रहा है। बच्चा बिल्कुल माँ से चिपक के और प्यार से, एक छोटा सा बंदर और दिखाई दे रहा है, वो भी कूद फांद कर रहा है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता है। बड़े बंदर के बाद छोटे छोटे बंदर। चतुर्भुज नाथ का वही एरिया जहाँ बंदर थे, अब हम पानी के पास आ चुके हैं। ये पानी है, यहाँ पे काफ़ी मच्छियाँ भी है इस तालाब के अंदर। इनको चने डाले जा रहे हैं, मच्छियाँ कूद कूद के उन चनों को खा रही है। किनारे पे बंदर, इस किनारे पे भी ढेर सारे बंदर, छोटी सी बंदरिया इस बंदर के ऊपर बैठी हुई, बच्चा बंदर का कौतूहल, इसको क्या हो रहा है ये देख रहा है, अभी बहुत छोटा है, इसको कम ज्ञान है अभी। खुली वारी है मापा। अरे अभी बेटा मार भाई को। हाँ तो कहते रहे खुली वारी है मापा। खत्म हो जाती नहीं, तभी ये दो ग्रुप है, इधर का ग्रुप अलग है, उधर का ग्रुप अलग है, एक वेस्ट इंडीज है, एक इंडिया है। ये अपने को देना, वेस्ट इंडीज वाले को देना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो लाते आया होना, मैं चाह रहा हूँ लाने वाली तुम्हें। हाँ हाँ, कहीं था कौन पे कॉल। हाँ उधर ढूंढने, कम कम डालो भाई, एक घंटे ज़्यादा डालो। और लाओ भाई।
जय बजरंग बली की जय। मेरा सारा सेठ की जय। चतुर्भुजनाथ महादेव की जय। अरे वाह। गुरु पूर्णिमा गुरुदेव की जय। अपने अपने जन्म देने वाले माँ बाप की जय। विष्णु ब्रह्मा की जय। ये मछली देवता अब आप भी बिल्कुल बिल्कुल नजदीक। इतने पास में ये बंदर, डर भी लग रहा है लेकिन बिल्कुल करीब। हाय 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 ये मेरे प्रभु। लो डालो डालो इनको। झील के उस पार कुछ बंदर, झील के इधर कुछ बंदर, वही के पास में एकदम ये किनारा। इधर के बंदर इधर, उधर के बंदर उधर, लेकिन में भी है झाड़ के ऊपर। दो टीमें क्रिकेट की। हाँ दो है। ये तो इधर भारत में तो वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज में भी तो भगवान बैठा हुआ है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक छोटा सा बंदर इस बंदरी के पास में ये। तो मुकेश अगर भी यहाँ तो मन तो दुखते यार। भगवान हिम्मत दो कि यहाँ इजा पे हाथ रखू हम। ऐसा कहा अब ध्यान रख दिया मुकेश तो कह दिया मुंह में को भी चल जाते। हाँ नहीं नहीं ये कार्य तो बड़ा अच्छा कार्य रहा यार। अरे यहाँ तक आ गए और मच्छियाँ भी बहुत सारी। हाँ अंदर बहुत सारी मच्छियाँ हैं। आप इनको डालो मच्छियों को। ढूंढो तो है नहीं मले। अरे असली मच्छी आपने हजारों रुपया खर्च करा नहीं। हाँ। बस की नदी में लाके तो नजर आई कटे रही। हाँ यहाँ तो नजर आ रही है। पकड़ वाला बैठा था वहाँ अपने यहाँ संतुष्टि मिलेगी। अपना मैं अपना खावा पिया की यहाँ ये ढेर सारी मच्छियाँ ये यहाँ पर यहाँ पेटी में खावा ये काम आ जाएगा। ये चतुर्भुज नाथ है। मच्छियाँ है, बंदर है, कई तरह के जानवर हैं यहाँ पर। समय समय पे दिखते हैं, समय समय पे दिखते हैं, लेकिन बंदर तो हमेशा कभी भी यहाँ आओ तो मिल जाते हैं। क्या पानी की तो प्यास से पीते हैं। हाँ हाँ छोटा सा बच्चा दूध पीते हुए अपनी माँ का।